तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे किसी इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर टाइपिंग करते वक्त इमोजीज को यूज़ करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इमोजी यूज़ करनी है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब के अंदर पहुँच जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिंस, इसके अंदर दो ऑप्शन है, गेट एडिंस और माय एडिंस। तो यहाँ पर जब आप माय एडिंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपने पहले ऐड किया होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है आपको गेट एडिंस के ऊपर। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं इमोजी कीबोर्ड, या आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमोजी कीबोर्ड। तो यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और वन नोट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इंसर्ट टैब के अंदर इमोजी कीबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर ये एक बारी के अंदर ऐड करने पे शो नहीं होता तो आपको क्लिक करना है माय एडिंस के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा इमोजी कीबोर्ड, इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो होने लगेगा। इसको यूज़ करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पर स्किन टोन का ऑप्शन दे रखा है कि आपको इमोजी का कलर लाइट रखना है या डार्क रखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नीचे साइज दे रखा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जिस भी इमोजी को आपको यूज करना है सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वो इमोजी आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। इसको मूव करने के लिए यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इसका यूज पावर पॉइंट के अंदर भी सेम होने वाला है। इंसर्ट वाले टैब के अंदर इमोजी कीबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।